Hi everyone, you are watching InfoMenu. I'm Abbas, and in this video I'm going to talk about MBA in Healthcare and Hospital Management, which you can do in just 2 lakhs. तो जितने भी MBA courses आपने देखेंगे healthcare and hospital management, ज़्यादातर fees जो है 4 लाख 5 लाख 6 होती है, except TIS, जहाँ की अराउंड 1.5 लाख रुपये होती है, जो कि बहुत अफोर्डेबल है. इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा MBA course बताऊँगा healthcare and hospital management specialization में, जो कि सिर्फ आप 2 लाख रुपये में कर पाएंगे. कॉलेज का नाम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया. वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने इसके स्कोप के बारे में और सारी डिटेल्स बताई है कि किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं. इवन एक नहीं, मैंने बहुत सी वीडियोज़ बना रखी हैं MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के ऊपर, कि MBBS के बाद BDS के बाद कैसा स्कोप है, ओवरऑल स्कोप कैसा है, कॉलेजेस एक्सेट्रा. तो वो चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चाहे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं. जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने इस साल 2021 सेशन से 8 नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं. उसमें वन ऑफ द कोर्स MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी है. तो जो लोग दिल्ली रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है. एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप एक कोर्स कर पाएंगे. MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स एट जामिया इज ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल स्टडीज. सीट्स इसकी 40 हैं, और अगर एग्जैक्ट फीस की बात करूँ तो 1,05,000 रुपये एक साल की, मतलब 2 साल की 2,10,000 रुपये, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है. 5 अगस्त 2021 को इसका एंट्रेंस होगा. ये डेट चेंज भी हो सकती है क्योंकि कोविड चल रहा है, तो आप वेबसाइट पर और प्रोस्पेक्टस में देखते रहना. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी इस कोर्स की डिटेल्स के बारे में. अगर आपको इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स. ये हो गया है तो मिनिमम क्राइटेरिया. इसके अलावा आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा. तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्या पैटर्न होता है उसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ. तो एक रिटन टेस्ट होगा और एक GD होगा, PI मतलब ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू. ग्रुप डिस्कशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन को क्रैक कर सकते हैं, तो वो आप आई बटन पर ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है, तो मैं अब बोल रहा था कि 2 पार्ट्स में होगा एंट्रेंस, मतलब रिटन टेस्ट 170 मार्क्स, GDPI 30 मार्क्स. रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं. रिटन टेस्ट में जो आएंगे MCQs आएंगे आपको, हेल्थ केयर से रिलेटेड, एनवायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस एंड रीजनिंग से, वर्बल एबिलिटी कॉम्प्रीहेंशन. बाकी GD और PI, जैसे मैंने आपको बताया कि GD के लिए तो आप वीडियो देख लो कि किस तरह से आपको करना है. GD में कुछ भी टॉपिक आ सकता है, किसी भी तरह का टॉपिक आ सकता है, करंट सिचुएशन से रिलेटेड भी आ सकता है. तो उसमें आपको अपनी ओपिनियंस देने होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन वगैरह चेक करी जाती है. पर्सनल इंटरव्यू की बात आएगी तो उसके अंदर आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप क्यों MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आपका थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड, और जामिया से क्यों करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं. तो यही सारी डिटेल्स थी इस MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफर कर रहा है. और ये पहला ही बैच होगा जो लोग इस साल लेंगे 2021 के अंदर. तो अगर आप सोच रहे हैं MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एनरोल करने के लिए, तो ज़रूर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ जा सकते हैं. एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा कैंपस है, सस्ते में आपका कोर्स हो जाएगा. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और InfoMenu का डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं. मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, चाहे तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं. मैं पर्सनलाइज वन ऑन वन करियर गाइडेंस सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ. अगर आपको करियर से रिलेटेड डाउट है, करियर गाइडेंस चाहिए, तो आप अपना सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑनलाइन अरेबिक स्पोकन लैंग्वेज क्लासेस. तो अगर आप अरेबिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. हमारे पास अरेबिक ट्रेनर हैं जो खुद अरब से हैं, नेटिव अरेबिक स्पीकर, तो आपको उनसे सीखने को मिलेगा. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.